ये पीछे है मेरा हॉस्टल। सुबह मैं ऊबर लेके चेक इन कर गया था हॉस्टल में, मुझे रूम भी मिल गया और मैं फ्रेश भी हो गया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8 और 8:30 को ग्रीन पॉइंट लाइट हाउस के पास मेरी बोर्डिंग है रेड बस में, जो मुझे लेके जाएगी बोल्डर्स बीच और उसके बाद केप पॉइंट। टाइम हो रहा है 8:25 और मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो है लाइट हाउस, और ये जो रेड कलर का साइनेज है रोड पे, यहीं पे वेट करना है। और बस लगभग 8:29, बड़ा स्पेसिफिक टाइम है, 8:29 को बस यहाँ पे आ जाएगी। इसी साइनेज को देखना है, एक ब्लू कलर का है एक रेड कलर का है जो मेरे पीछे है अभी। मुझे और 320 रन्स देने हैं एंट्री फी है शायद वो एंट्री फी, हाँ तो वो मैं कार्ड में पे कर सकता हूँ। तो गाइस अब मैं हूँ केप पॉइंट, जो मेरे पीछे दिख रहा है वो है केप पॉइंट टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। और यहाँ अगर पीछे दिख रहा है ऊपर, अगर कैमरे में आ रहा है तो फिर ये है हमारा नेशनल फ्लैग जोड़ रहा है, शायद दिख रहा हो। तो एक बड़ी अजीब चीज़ मेरे साथ हुई है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, अब वो सक्सेसफुल है या नहीं मुझे नहीं पता। और अब मैं जा रहा हूँ लाइट हाउस की तरफ जो कि ऊपर है, और ऊपर है तो टाइमिंग्स कुछ ऐसा रखा गया है इस बस की तरफ से कि अगर मुझे यहाँ से तो ऊपर है लाइट हाउस, बीच में है केप पॉइंट और सबसे नीचे है केप ऑफ गुड होप्स। तो अभी हो रहा है 11 और लाइट हाउस जाके आने के लिए इन्होंने टाइम दिया है 1 घंटा 40 मिनट, मतलब 12:40 को केप पॉइंट से बस निकलेगी और जाएगी केप ऑफ गुड होप्स। अगर मुझे अपने हिसाब से चल के केप ऑफ गुड होप्स जाना है तो फिर मुझे 1:30 को केप ऑफ गुड होप्स पहुंचना पड़ेगा, और वो है कहीं उधर, वो नहीं पता किधर है लेकिन उसके पीछे है कहीं। तो लगभग 11 से लेके 1.5 घंटा है मेरे पास ऊपर चढ़ के वापस आने के लिए, और उसके बाद ऑल द वे केप ऑफ गुड होप्स में नीचे जाने के लिए। उसको देख के आ चुका हूँ, अब नीचे उतरने का टाइम है जो है इजी, तो नीचे उतर रहा हूँ। आते आते मिनिमम कितने
तीन या चार कपल्स ने मुझे पकड़ लिया, बोला हमारी थोड़ी फ़ोटो खींच लो। तो सोलो ट्रैवलर होने का फ़ायदा खुद को नहीं है, दूसरों को भी है। हम अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचते हैं, वो एक बोलते हैं हम पांच खींच के देते हैं, पांच में से सबसे बेस्ट सेलेक्ट कर लो।